बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी के उस विज्ञापन को ट्वीट कर नीतीश पर हमला बोला है जिस पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी थी। आरक्षण पर बने विज्ञापन को ट्वीट कर गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी और कहा कि नकार सकते हैं तो नकार दीजिए नीतीश जी। यानी जो विज्ञापन पे पाबंदी थी उसी विज्ञापन को ट्वीट कर दिया है और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अब इसके ऊपर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, जिस तरीके से लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं बीजेपी के रोज के अखबारों में, तो दो विज्ञापन थे। पहला जो अल्पसंख्यक आरक्षण पर नरेंद्र मोदी का स्टैंड था उसे लेकर विज्ञापन छपा और दूसरा आतंक पर और आतंकियों के जो नाम छापे गए थे उस पर ये विज्ञापन छपे थे, जिसे लेकर के जो जेडीयू और आरजेडी है ये जिसने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद कल रात को इलेक्शन कमीशन ने ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी। लेकिन आज सुबह तमाम अखबारों में फिर उसी आरक्षण को लेकर के, जिसमें कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में जो अल्पसंख्यकों के आरक्षण के बारे में कहा है उसे लेकर के आज पूरा का पूरा तमाम अखबारों में वो ऐड छपा, जिसके बाद ये हंगामा मचा। आज बकायदा गिरिराज सिंह है, उन्होंने उसे ट्वीट किया है उसको। इसके बाद से साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के कड़े रुख के बावजूद भी बीजेपी के लोग शायद रोकूंगा मैं आपको, आप जो बता रहे हैं बकायदा ये जो किया है ये गलत किया है और अब इस पे और क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी इसको देखने वाली बात।